अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही वड़ा और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। मैंने यहाँ पे 1/4 किलो दाल लिया है उड़द की, इसे 5 घंटा पहले भिगा लिया था। अब यह फूल गया है और उसका पानी फेंक दिए हैं। अब इसे मिक्सर की जार में डालकर पीस लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे दाल को पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा 1/2 चम्मच, नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके दही वड़ा बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आसान भी है तरीका बनाने का। अब इसे फ्राई कर लेंगे, स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे वड़ा गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। वड़ा को बाहर निकाल लिए हैं, अब इसे हम नॉर्मल पानी में डाल लेंगे, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल पानी है, उसमें डालकर 5 मिनट छोड़ देंगे। यहाँ पे जब तक दही को मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे दही को मैंने बहुत ज़्यादा फेंट लिया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच से कम है, और शक्कर डालेंगे 7 से 8 चम्मच। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा शक्कर भी घुल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। अब इसको अच्छे से पानी को हल्के हाथों से दबा कर निकाल लेंगे। पानी निकाल कर वड़ा को दही में डाल लेंगे। सारे वड़ा को इसी तरीके से दही में डाल देंगे। यहाँ पे वड़ा को दही में डाल दिए हैं, अब इसे 8 से 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि दही को एब्जॉर्ब कर ले वड़ा। यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, हमारे दही वड़ा एकदम रेडी हो गए अच्छे तरीके से। अब हम इसे सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से और लाल मिर्ची पाउडर से। आप देख सकते हैं हमारे दही वड़ा एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।